गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, बी और क्यू 120 मीटर के एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर समान बिंदु से समान दिशा में 20 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, वह कितने बिंदु पर मिलेंगे? 12 मीटर और 20 मीटर पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनकी चाल हो जाएगी चाल बराबर 20 मीटर और 12 मीटर, तो चार से चला जाएगा पांच बार, अनुपात चार से तीन बार, पांच और तीन समान समान दिशा में 12, ये तो हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2, दो बार। अगर अपन एलसीएम लेके करते हैं 20 और 12 का एलसीएम, ये चला जाएगा 4 से 4 पंजे 20, 4 ती 12, ये हो जाएगा इनका एलसीएम, एलसीएम बराबर 20 × 3 बराबर एलसीएम आ जाएगा 60। तो कितनी दूरी थी, 120 में 60 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा दो बार, और वैसे भी दो बार आ रहा था। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई राशि 20 वर्ष में चार गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 20 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? चार गुना, मतलब 100 से कितनी? 400, तो कितनी बड़ी? 300 बढ़ गई, 100 से 400 हो गई, तो 300 बढ़ गई। कितने साल में? 20 साल में, 0 से 0, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15%। आगे देखें स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, सामान्य की चाल 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्य स्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 3 की जगह 4 से चल रहा है तो 15 मिनट देरी से, मतलब 1:15 तो सामान्यतः कार्य स्थल पहुंचने में, तो 3:3 × 15 = 45 मिनट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, पी क्यू आर एस किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस किसी काम को 20 दिन में, जबकि पी प्लस क्यू इस काम को 50 दिन में, आर अकेला इसी काम को 60 दिन में, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 300। ये इसे 15 बार, 50 से 6 बार, ये हो जाएगा 5 बार। तो पी क्यू की स्पीड कितनी आ गई? 6। आर की स्पीड कितनी आ गई? 5। 6 और 5 11, तो एस की हो जाएगी 4। तो एस अकेला 300 काम को तार की स्पीड से 75 दिन में। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 4% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच नकदी का अंतर 3% है, 3 रुपया है। दो बिक्री मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4% मतलब 104% और 106% के बीच का अंतर कितना प्रतिशत हो गया? 3% बराबर 3, 2% बराबर 3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2% बराबर 3, तो 3/2 × 100% बराबर हो जाएगा 2 से, ये 50 बार 150, 150 का 150 का 104% हो जाएगा, 150 का 104% 156 अनुपात, 150 का 106% 106% 169, 169, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 52:53। आगे देखें स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात 4:6 है, 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी। ए और बी का अनुपात कितना है? 4:3, 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष बाद तो 26
-6, वर्तमान आयु आ जाएगी इक्की 20 वर्ष, 20 वर्ष। एक का अनुपात कितना है 4, तो ये चला जाएगा 5, अनुपात 1:5, तो बी की वर्तमान आयु 3×5=15 वर्ष। आगे देखे स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 180 है, 4 और 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 180 है, तो उनका योग, तो ये हो जाएगा संख्या हो जाएगी 4 अक्ष व 5 अक्ष, 4 अक्ष व 5 अक्ष, तो अक्ष कोष्टक 4×5=180, अक्ष इंटू 20 बराबर 180, अक्ष बराबर 9, तो उन संख्याओं का योग, तो संख्या हो जाएगी 4 और 4 अक्ष प्लस 5 अक्ष बराबर 9 अक्ष, तो 9×9=81। आगे देखे स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, पी और क्यू एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया, कितना अनुपात में 5:13 के अनुपात में निवेश किया, क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, यदि उन्हें लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया तो 5×13 वाला हो जाएगा क्यों 6 महीने, तो लाभ कितना 25:26, ये 26×13 से चला जाएगा 2 बार, 5×5 से चला जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा, और ये 6×2 से चला जाएगा 3 बार, तो अक्ष बराबर 15 माह है। आगे देखें स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, पी क्यू आर की आयु 4:7:9 के अनुपात में है, 8 वर्ष पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी, तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर, आर पी क्यू आर, ये हो जाएगी 4:7:9, 8 वर्ष पहले आर की आयु, आर की आयु, तो आर की आयु कितनी है 9 अक्ष माइनस 8, 8 वर्ष पहले इसके बराबर थी, क्योंकि वर्तमान आयु कितनी है 7 अक्ष, तो ये हो जाएगा 2×8=4, तो आयु का योग, तो आयु का योग पूछा है, तो योग हो जाएगा 4×+7×+9 अक्ष, 4×+7×+9 अक्ष, तो 4×16+7+28+9+36, ये हो जाएगा 80। आगे देखें स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, 24 सेमी ऊंचाई और 1 सेमी मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन 96 पाई है, इसकी आंतरिक व बाह्य त्रिज्या का योग ज्ञात कीजिए, तो एक बेलन है, बेलन ऐसा होता है स्टूडेंट सब जानते हैं, बेलन खोखला बेलन है, तो अंदर की त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या, h बराबर 24 सेंटीमीटर, आयतन बराबर 96 पाई, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना दे रखा है 96 बराबर पाई मजला कोष्टक r² - r - 1, 1 सेंटीमीटर मोटाई वाला का स्क्वायर कोष्टक बंद इंटू ऊंचाई 24, ये हो जाएगा, इससे पाई चला जाएगा 24 से, ये चला जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा अब इधर r² - r² - फिर r² - a²
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी बराबर चार। तो आर से आर चला जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर 5/2। आर बराबर 5/2 तो आंतरिक और बाहरी त्रिज्या का योग, तो ये हो जाएगी पूरी त्रिज्या। 5/2 प्लस कोष्टक 5/2 माइनस एक बराबर आएगा चार। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन। दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक के दर पर बेचा गया, एक पर 10% का लाभ किंतु दूसरे पर 10% की हानि, शुद्ध प्रतिशत हानि लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक पर 10% लाभ मतलब 10 से 11, दूसरे पर 10% की हानि मतलब 10 से 9, तो कितना हो गया 100, तो इधर हो गया 99, 1% की हानि। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन। पी क्यू आर किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में, पी क्यू और आर 15, 20 और 30, तीनों का एलसीएम 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दुना 60। ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हीं दो को काम पे रखने का फैसला करता है, उनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा रहेगा। तो 60 काम है, जिनकी दो की स्पीड तेज होगी उनको रखेगा ठेकेदार, जिनकी कम वालों की रखेगी उनको तो फालतू में क्यों रखेगा। तो जिनकी ज्यादा किसकी है, चार और तीन, पी और क्यू, पी और क्यू की कितनी है 7, तो ये 7 8, 8 सही 7, 4/7 दिन के अंदर वो किसको रखेगा, पी प्लस क्यू को। आगे देखें स्टूडेंट्स, पी और क्यू किसी काम को मिलकर 30 दिन में, तो पी प्लस क्यू किसी काम को मिलकर 30 दिन में, क्यू प्लस आर मिलकर उसी काम को 24 दिन में, आर प्लस पी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, सबका लघुत्तम 120। 30 से 4 बार, 24 से 5 बार और 20 से 6 बार, तो इनका तो इनकी स्पीड तो दो दो बार है, सबकी काम एक बार है, तो काम को अपन दो बार कर लेते, काम हो जाएगा 240/4 और 6 4 10 और 5 15। 240 के अंदर 15 एकम 15 और 15 6 90, 15 6 90, 15 15 एकम 15, 15 6 90, 16 दिन के अंदर। आगे देखें स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, तो अक्ष अक्ष माइनस अक्ष का 1/7 उसमें से घटाया जाता है तो परिणाम अक्ष माइनस 30 होता है, तो ये हो जाएगा अक्ष 1/7 बराबर 30, अक्ष बराबर 210। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन। 2² × 3² × 5 × 7, फिर आ गया 2² × 3 × 5² × 7 और 2 × 3 × 5 × 7 का LCM, LCM, LCM में सबसे ज्यादा, तो 2 की घात 2 सबसे ज्यादा है, फिर 3 की घात 2, 3 की घात 2 सबसे ज्यादा है, फिर 5 की घात 2 सबसे ज्यादा है, फिर 7 की घात 1, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 5 25 × 7, तो 25 चौक 100, 100 × 9 = 63, 6300 इसका एलसीएम। आगे देखें स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 100, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1000, तो 100 के अंदर अपन 3 का भाग देते हैं तो जाता है 33 बार, 1000 में अपन 3 का भाग देते हैं तो जाता है 333 बार, तो 333 माइनस 33 तो कितनी संख्या आ जाएगी 300। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 17वां क्वेश्चन। सरल कीजिए 0.004 ×
0.5 बटा, तार वाले का आ जाएगा नीचे 1000 और इसका आ जाएगा 10, पॉइंटर जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 520 बटा 20 बटा 10000, तो 0 से 0 ये हो जाएगा 2, 2 के आगे कितनी 0, 2 0, फिर पॉइंट पॉइंट 0.002। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 18वां क्वेश्चन, जब एक संख्या को 234 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 36 बचता है, तो अक्स को कितने से, 234 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, 36। उस संख्या को 13 से, तो अक्स बराबर हो जाएगा 234 और 36, 234 और 36 हो जाएगा 270, तो 270 को अपन अगर 13 से विभाजित करें तो कितना शेषफल मिलेगा, 10, 10। आगे देखें स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन, 420 का 4/7 हिस्सा 200 के 3/5 हिस्से से कितना अधिक है, तो 420 का 4/7 200 के 3/5 से कितना अधिक है, तो 7 से 6 बार, 6 चौका 24, 240 और ये 5 से 4 बार 120, तो 240 माइनस 120 बराबर 120। आगे देखें स्टूडेंट्स, 20वां क्वेश्चन, सरल कीजिए, √25 प्लस √10 √6 इंटू √25 माइनस √10 √6, तो ये हो जाएगा रूट बराबर रूट, ये हो जाएगा कोष्टक 25 प्लस 10 √6, फिर हो जाएगा 25 माइनस 10 √6, ये हो जाएगा रूट के अंदर 25 का स्क्वायर माइनस 10 √6 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 10 का 100 और 6 का 6, मतलब 600, तो ये हो जाएगा रूट 25 बराबर 5। आगे देखें स्टूडेंट्स, 21वां क्वेश्चन, 6 सेमी भुजा वाले समषट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 6 सेमी भुजा वाला, तो समषट्भुज का क्षेत्रफल होता है √3/6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 6, तो ये 4 से चला जाएगा 3 बार और ये भी 3 बार, तो 6 3 18, 18 3 54, 54 √3। आगे देखें स्टूडेंट्स, किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा, तो 10% अगर ऐसा ही होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो 10 इंटू 3 बराबर 30% पर CII कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो ये हो जाता है 33.1, तो कितना अधिक हो रहा है, 3.1, बेसिक कितना हो रहा है, 620 बटा 3.1 इंटू मूलधन 100, पॉइंटर जाएगा ऊपर लग जाएगा 0, ये चला जाएगा इससे 2 बार, 2 इंटू 1000 20 इंटू 1000 20,000 रुपया। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।